जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पोस्टर चैनल फॉर यू के। मैं हूं चंद्रशेखर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी रायपुर एसोसिएट अकाउंटेंसी और पोस्टर चैनल फॉर यू का। दोस्तों, नौसेना की वीडियो सीरीज में आज हम जानेंगे कि फ्रिगेट्स क्या होते हैं और भारतीय नौसेना में कुल कितने फ्रिगेट्स अभी शामिल हैं। तो चलिए समर्थन फूकते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि फ्रिगेट्स क्या होते हैं। तो फ्रिगेट एक जंगी जहाज है। फ्रिगेट आकार के मामले में कॉर्वेट से बड़े होते हैं। तो कॉर्वेट क्या होता है, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो फ्रिगेट जो है कॉर्वेट से बड़ा होता है लेकिन डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है। तो अब डिस्ट्रॉयर क्या होगा दोस्तों, तो डिस्ट्रॉयर के ऊपर भी एक हम पर्टिकुलर वीडियो जल्द ही लेके आने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सबसे पहले आपको उस वीडियो के बारे में मालूम पड़ सके। और अब फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो डिस्ट्रॉयर से तो छोटा होता है लेकिन अब मॉडर्न फ्रिगेट के कारण दोनों में ज्यादा अंतर नहीं रह जाता है। तो दोस्तों फ्रिगेट को भी ज्यादातर तटीय गश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अब इन्हें बड़े जहाजों की सुरक्षा के लिए गहरे पानी में भी उतारा जाता है। एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन और एंटी एयरक्राफ्ट फ्रिगेट्स की क्षमता है दोस्तों। और अब हिंदुस्तान की नौसेना के अलग अलग क्लास में कुल कितने फ्रिगेट्स हैं वो देखते हैं। गोदावरी क्लास, गोदावरी क्लास में सिर्फ एक INS गोमती अभी शामिल है जबकि दो डी कमीशन हो चुके हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र क्लास। ये नौसेना के गाइडेड मिसाइल वाले फ्रिगेट हैं जिन्हें भारत में बनाया गया है, जिसमें INS ब्रह्मपुत्र, INS बेदवा और INS बीस शामिल है। अगला नंबर है तलवार क्लास का। तो तलवार क्लास ये भी गाइडेड मिसाइल वाले फ्रिगेट्स हैं जिन्हें रशिया द्वारा बनाया गया है। तलवार क्लास में INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबर, INS तेग, INS तरकश और INS त्रिकंद अभी शामिल हैं। अंत में है शिवालिक क्लास जो कि हिंदुस्तान की नौसेना में मल्टी रोल वाले फ्रिगेट्स हैं और हिंदुस्तान के सबसे पहले स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले फ्रिगेट्स हैं। इनमें INS शिवालिक, INS सतपुड़ा और INS सह्याद्री अभी शामिल है। और रोचक बात बताओ दोस्तों, तो इन फ्रिगेट से ब्रह्मोस मिसाइल भी फायर किया जा सकता है। तो यह था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो भारतीय नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फ्रिगेट्स के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कॉर्वेट वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा क्योंकि YouTube पे किसी भी पर्टिकुलर एक वीडियो में सभी कॉर्वेट के बारे में नहीं बताया गया है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम मिलते हैं आपसे दोस्तों एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।